तो गाइज आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक पेपर मैजिक ट्रिक करके आपको दिखाने वाला हूँ और हमेशा की तरह इसे दिखाने के बाद आपको मैं ये सिखा दूंगा। तो चलिए गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो मैजिक ट्रिक है वो एक हमारे खास सब्सक्राइबर आर्यन सिंगला की डिमांड पे आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइज देख लेते हैं क्या है ये मैजिक ट्रिक और इसे आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइज मेरे पास है यहाँ पे एक सिंपल सा नोटबुक से फाड़ा हुआ पेपर, इसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल सा पेपर है, एक नोटबुक से मैंने फाड़ा है। तो आज का ये मैजिक ट्रिक है काफ़ी कमाल की होने वाली गाइज, और इसमें सिर्फ एक पेज का यूज़ कर रहा हूँ मैं। और गाइज पूरा वीडियो देखना क्योंकि मैं बाद में आपको सिखाऊंगा भी किस मैजिक को आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए गाइज मैजिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चेक कर सकते हो इस पेपर के अलावा मेरे दोनों हाथों में कुछ भी नहीं है। तो गाइज मैं मैजिक स्टार्ट करता हूँ, आप ध्यान से देखिए गाइज और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अगर एक पार्ट भी आपने मिस कर दिया तो आप इस मैजिक को सीख नहीं पाओगे। तो चलिए गाइज मैजिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसकी गाइज इस पेपर को फाड़ने वाला हूँ और फाड़ने के बाद इस पेपर को आपकी आंखों के सामने मैं रिस्टोर कर दूंगा यानी जोड़ दूंगा। तो चलिए गाइज मैजिक स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो गाइज मैंने इससे चार टुकड़े कर दिए, पांचवा टुकड़ा है ये। तो इसके सामने इन टुकड़ों को मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ और अभी भी आप हाथ में देख सकते हो मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ इन सब टुकड़ों को फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने सभी टुकड़ों को कर दिया फोल्ड। और काफ़ी प्रेशर करता हूँ इनको, प्रेशराइज कर रहा हूँ, काफी ताकत लगी गाइस इसके ऊपर। और थोड़ी सी मैं मैजिक वेव करूंगा यहां पे और गाइस मैजिक हो गया है। अब मैं आपको ये पेपर वापस से खोल के दिखाता हूं और आप क्या देखोगे कि जो पेपर था मैंने फाड़ा था वो गाइस जुड़ चुका है। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये वही पेपर है जो आपकी आंखों के सामने थोड़ी देर पहले मैंने अभी फाड़ दिया था। तो गाइज कैसी लगी आज की मैजिक ट्रिक नीचे जाके कमेंट में मुझे जरूर बताइए और अभी कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मैजिक ट्रिक को आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइज इस मैजिक को सीखने से पहले आपको करना एक छोटा सा काम, नीचे कमेंट लिख के मुझे ये बताना है कि आज की ये मैजिक वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक के बटन को दबा दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और गाइज अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है विजय गोस्वामी व्लॉग्स, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज देख लेते हैं क्या है इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट और आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो गाइज इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट है काफ़ी सिंपल, आप देख सकते हो पीछे जो पेपर थे वो पीछे आ गए। अभी होता कैसे है अब आपको मैं समझा देता हूँ। आपको चाहिए ऐसे दो पेपर, ठीक है। एक पेपर को क्या करते हैं, दोनों पेपर को आपस में चिपका देते हैं थोड़ा सा कॉर्नर देके। अभी मैं आपको एक खोल के दिखा देता हूँ कि कैसे सेटअप था। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि दूसरा पेज मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह से चिपका रखा है डबल साइडेड टेप की मदद से। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप नहीं है तो आप यहाँ पे ग्लू स्टिक या फेविस्टिक का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे हाफ पेपर इसके ऊपर चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थे पूरे फुल दो पेपर बड़े बड़े, ठीक है, यहाँ तक फुल था ये। और मैं क्या करता हूँ दूसरे पेपर को कुछ इस तरीके से इसी के ऊपर फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। और जब मैं इसको फाड़ता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है एक पेपर इसमें ऐसे पीछे रहता है, ठीक है, हाथ के कुछ इस तरीके से, और इसको मैं फाड़ देता हूँ सामने वाले पेपर को, जो फोल्ड रहता है वो पेपर ऐसे रहता है पीछे, और इसको मैं फाड़ देता हूँ कुछ चार टुकड़े पांच टुकड़े जितना भी आप करना चाहो कर सकते हो। और इनको लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और जो दूसरा पेपर है पूरा वाला पेपर जो हमने फोल्ड किया वो पीछे है, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको फोल्ड करना है, ये रहता है पीछे। और इसको हम क्या करते हैं आगे जो पेपर रहते हैं उनको फोल्ड कर देते हैं आगे की साइड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस पर ऐसे ही नाटक करते हैं प्रेशराइज करने का ताकि जो पेपर हैं जो फटे हुए पेपर हैं हमने फाड़े हैं वो पेपर गाइज अलग अलग न गिरें। तो हम क्या करते हैं ऐसे प्रेशराइज करते करते इसको पलट देते हैं और जो पीछे पेपर हमने फोल्ड किया था वो गाइज हम खोल के दिखा देते हैं कि देखिए मैजिक हो गया है, ऐसे करके खोल के दिखा देते हैं। अभी गाइज ये हाफ पेपर है, ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने क्या किया उसी से करके दिखा दिया है। तो अगर ये पूरा पेपर होता
तो ये पूरा पेपर खुल जाता है आपकी आंखों के सामने।